Everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the math chapter number 2A, exercise 2A, जिसमें हम लोग fraction and decimal पढ़ रहे थे. तो fraction and decimal में जो है हम लोगों ने evaluate करना सीख लिया था, calculate करना सीख लिया था. Simplify जो है वो रह गया था, मैंने देखा नहीं था गलती से, तो multiply भी हो गया था. तो अब हम लोग क्या करेंगे, simplify, divide and ये वाला जो बचा हुआ portion है वो सारा हम लोग solve करेंगे. तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये है सिंपलीफाई, ठीक है. सिंपलीफाई में देखिए हम लोग क्या करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर मिक्स नंबर में दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है या डिफरेंट है. अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग LCM का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और अगर सेम होगा तो हम लोग देन डायरेक्टली सिंपलीफाई कर देंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर मिक्स नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का इस होल में मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, ठीक है. ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ. 2 2 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 2 प्लस 6 3 18 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 अपॉन में 6 माइनस, फिर यहाँ पर 4 3 12 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 अपॉन में 3 इतना हो गया. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं. तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम जो आ जाएगा वो 6 आएगा. एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6. तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका इसमें डिवाइड देना है. तो 2 का टेबल अगर हम डिवाइड करेंगे 6 में तो कितनी बार में जाएगा बेटा, 3 बार में, 3 × 5. यहाँ पर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं. उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिया. अब हम लोग ये डिनोमिनेटर इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 6 1 6 वन बार में गया तो 1 × 19 जितनी बार में जाएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला, ठीक है. तो यहाँ पर कितना है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया. उसके बाद 3 2 6 तो 2 आया, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका ऊपर वाले से यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे × 13. देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे. तो 5 3 हो जाएगा 15, 19 1 हो जाएगा 19, 13 2 हो जाएगा 26 अपॉन में 6. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है. तो 15 और 19 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34, फिर यहाँ पे माइनस 26, ठीक है, अपॉन में 6 इक्वल टू 34 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा बेटा 8 अपॉन में 6 इतना बचेगा. अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से, ठीक है. 2 3 6 2 4 8 इक्वल टू 4 अपॉन 3 और इसको और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 1 होल 1 अपॉन 3. इसका पूरा आंसर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला हो गया. अब हम लोग सेम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं सिंप्लीफाई का, एक और क्वेश्चन. तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला क्या है, मिक्स नंबर में है तो हम इसे क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. इसका इसमें मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा फिर उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे. तो 5 3 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन में 5 प्लस 10 1 10 11 अपॉन में 10. अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 5 5 और 10 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 10 ही आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है. तो 5 का जब हम लोग, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं एलसीएम में, और जितनी बार में भी कटता है, जितना हमारा क्वेश्चन आता है उसका हम लोग न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. इस बात को आप लोग को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है. तो 5 2 10 2 बार में गया मेरा तो 2 × 17 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगा देंगे. 5 2 10 2 बार में गया यानी 2 × 2 प्लस 10 1 10 यानी कि 1 × 11 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही प्रोसेस 17 2 ऐसे नीचे लिख दिया इसको, 17 2 34 प्लस 2 2 4 प्लस 11 1 11. अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इन तीनों को, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. इन तीनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 49 अपॉन में 10. तो ये जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका आंसर हम लोग भूल में भी ले जा सकते हैं, ठीक है. तो ये नेक्स्ट देखते हैं. अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे ही उतार देते हैं. 2 अपॉन 5 डिवाइड बाई 3 अपॉन 4. तो बेटा डिवाइड जो होता है
उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले नंबर को वैसे ही उतार देते हैं और दूसरे वाले को हम लोग सिंपली पलट देते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला नंबर है हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को वैसे ही, फर्स्ट वाले को हम लोग वैसे ही उतार देंगे बिना कुछ किए, और दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल होता है ऊपर नीचे में तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये 4 नीचे होता तो कैंसिल हो जाता, पर यहाँ पर ऊपर है तो कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 4 2 8, 5 3 15, 8/9 डिवाइडेड बाई 4, तो 8/9 वैसे ही उतार देंगे। और यहाँ पर इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम लोग सपोज करते हैं कि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 2 8 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/9, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए 5/8 है ऑफ यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू का सिंबल लगा देंगे, 40 kg। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 8 1 8, 8 5 40, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 5 5 25 kg हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड हम लोग का ये है 4/5 × 30 meter, तो यहाँ पर भी ऑफ का मतलब क्या है, इंटू। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 6 30, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, और अगर कहीं नहीं कैंसिल होता है तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 4 6 24 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इंटू सिंपल फ्रैक्शन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये देखिए आपको a/b, c/d इसके फॉर्म में दिख रहा है, इसके फॉर्म में दिख रहा है ना, ये वाली a हो गया, ये वाला b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया ना, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करना बहुत आसान है, सबसे पहले आप नेमिंग कर दीजिए इसकी, समझने के लिए बता रही हूँ मैं। उसके बाद आप पहले वाले नंबर को वैसे ही उतार दीजिए, यानी 3/10 जो हमारा a/b है इसको वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे इंटू के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, यानी कि इस वाले को हम लोग पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए a/b / c/d ऐसे रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको a/b इसको पलट देते थे इंटू में d/c, यही करते थे ना, तो यही फॉर्म है इसका। ठीक है, इस फॉर्मले से हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10, अब देन मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 3 1 3 और 5 1 5, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी हम लोग ऐसे करेंगे, a/b, c/d के फॉर्म में दिख रहा है, तो a/b को हम लोग वैसे ही उतार देंगे, यानी 7/10 को हम लोग वैसे ही उतार देंगे, और जो 2/5 है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/2, तो 5 1 5, 5 2 10 कैंसिल हो रहा था। अब यहाँ क्या है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और सामने सामने तो कैंसिल होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7, 2 2 4, तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना हम लोग का आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा भी, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।